हेलो दोस्तों, स्वागत है जावेद फार्मिंग व्लॉग के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों ये हमारे पास कड़कनाथ का चिक्स डला हुआ है और ये ब्रूडिंग में लगभग लगा है। बच्चे की दोस्तों क्वालिटी आप देख सकते हैं, कितना ही एक्टिव बच्चा है। हमारे पास जो दोस्तों कड़कनाथ मिलेगा वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल कड़कनाथ मिलेगा और बच्चा एकदम समझ लो रॉकेट की तरह में बच्चा मिलेगा। एकदम जैसे रॉकेट होता है ना, वैसा ही बच्चा है ये। आप देख सकते हैं दोस्तों बच्चे की क्वालिटी, किसी भी भाई को फार्मिंग करनी है और ओरिजिनल चिक्स की तलाश में है कि हमें कड़कनाथ चाहिए, सोनाली चाहिए, देसी चाहिए या क्रॉलर चाहिए, रंगीन वाला कोई भी ब्रीड का बच्चा चाहिए, सभी बच्चे हमारे पास दोस्तों उपलब्ध होते हैं और कोशिश करते हैं दोस्तों हम बच्चा अच्छी से अच्छी क्वालिटी का किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बच्चा ये कड़कनाथ का है और आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि क्वालिटी देखिए दोस्तों कैसी है। बच्चा ऐसा भागता हुआ आपको दिखेगा, ये देखिए दोस्तों बच्चे कितना तेज़ दौड़ता है। ये दोस्तों बच्चा होता है बिल्कुल एक्टिव बच्चा जो कहलाता है प्योर कड़कनाथ का, और इसको अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर जो प्योर कड़कनाथ होगा तो उसका जब आपका बर्ड बड़ा होगा तो बिल्कुल जेड ब्लैक पर आएंगे, उसके जेड ब्लैक मीड भी उसका निकलेगा, यहाँ तक कि हड्डी भी उसकी काली निकलती है जो ओरिजिनल कड़कनाथ होता है। दोस्तों अगर किसी भी भाई को हमसे कड़कनाथ का चूजा चाहिए है तो वो आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कड़कनाथ का चूजा उपलब्ध करा देंगे। हुआ था दोस्तों ये क्या है, हमारे पास निकला था लगभग 4000 चूजा जो कि सेल हो गया था, ये 500 बच्चा हमारे पास बच गया है जिसको हमने दोस्तों ब्रूडिंग पे छोड़ दिया है। एक दो जगह अभी बात हुई है दोस्तों, दो बंदों को बोल रहे हैं चाहिए है, तो देखते हैं दो चार दिन के लिए बोलते हैं, वो आने वाले हैं और इनको लेके जाएंगे। अगर दोस्तों हम ब्रूडिंग करते हैं, अगर हमें हफ्ता 15 दिन हमें बच्चा रखना होता है तो उसका जो चार्ज होता है दोस्तों हम वो चार्ज ले लेते हैं, जो उसने दाना पानी खाया पिया है तो उसका हम ऐड करके उनको ये बच्चा उपलब्ध करा देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल में दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।